मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल ढिंडोरी जिले के जरहा नेजर गांव की इस झोपड़ी में पहली से पांचवी क्लास के करीब 40 छात्र पढ़ते हैं। इस स्कूल के लिए डिजिटल ब्लैक बोर्ड और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दूर की कौड़ी है। सरकारी प्राइमरी स्कूल 5 साल से झोपड़ी में ही चल रहा है। गांव वालों ने बताया कि देखरेख के अभाव में स्कूल की असली इमारत गिरने के कगार पर थी, हार कर झोपड़ी में स्कूल शिफ्ट कर दिया गया। ये स्कूल है कि कोई भवन है? हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, इसलिए हमने चंदा पैसा किए हैं, ईंटा खरीदे हैं, माटी खरीदे हैं, इसके बाद हम ये बनवाई है। मड़ैया है, ये झोपड़ी है एक, उसमें और बच्चों को देख रहे हो, बरसात के मौसम है, ज्यादा बारिश अगर हो गई तो बच्चों को माँ साहब से छुट्टी मांगते हैं कि भैया छुट्टी कर दो इधर से, बच्चे को क्या हो जाएगा, ज्यादा तूफान आ जाएगा, वो पन्नी उड़ के चला जाएगा, बच्चे तो वहाँ बैठ नहीं पाएंगे। ये सर ये स्कूल नहीं है, जो भवन नहीं है, जो खुद का जो यहाँ ग्राम वासियों ने चंदा बरार करके जो ऐसा बनाए हुए हैं, पन्नी तान कर और ईंटा खरीदे हैं, गीला कच्चा दीवाल है, इसमें पूरा जमीन नीचे गीला है, उसमें भी हम बच्चों को बैठा कर शिक्षा का ग्रहण करवा रहे हैं हम लोग। आज की स्थिति में लगातार लगभग पिछले 5 वर्षों से जो है वह स्कूल न बनने की स्थिति में आज सभी पालक जो हैं, सभी गांव वाले इकट्ठे होकर जो हैं झोपड़ी बनाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। गांव वालों ने कहा कि उन्होंने इमारत की मरम्मत के लिए सरकारी अधिकारियों से बार बार गुहार लगाई, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रेंगी। तो इसकी जानकारी आपने नहीं दी किसी को? दिए हैं, ये ब्लॉक में दिए हैं, जिला में दिए हैं, कलेक्टर साहब के पास तक पहुँच चुका, फिर भी कोई सुनाई नहीं है। पहले के भवन यहाँ सरकारी भवन नहीं बना था? पहले के भवन वहाँ बना है, लेकिन पूरे गिर गया, फट गया है। तो हमने इस स्कूल का मांग करते करते हम परेशान हो गए हैं कि ब्लॉक में दिए, फिर जिला में दिए, कलेक्टर प्रशासन के पास भी पहुँचाए हैं, लेकिन आज तक कोई कर्मचारी ने प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे ये ऐसे हालत होने के नाते 5 से 6 साल हो गए वो स्कूल गिरा हुआ है। 3 साल तक से दूसरे झोपड़ी में हम स्कूल लगाए हैं, 3rd से 4th साल में हम लोग यहाँ झोपड़ी बनाकर हम लोग बच्चों का शिक्षा ग्रहण करवाना चाह रहे हैं। गांव वालों की अपील है कि सरकारी अधिकारी या तो स्कूल की पुरानी इमारत की मरम्मत कराएं या नई बनवाएं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई रुकने ना पाए इसलिए तब तक झोपड़ी में ही स्कूल चलाने की मजबूरी है।